हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स और ई करेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं और कम्युनिकेशन में इनका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या महत्व है। पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट 2 में जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें रिपोर्ट्स की समराइज करने का तरीका, और साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि रिपोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंशियल होते हैं एक बिजनेस कम्युनिकेशन में। इसके अलावा हमने यूनिट 1 में एक टॉपिक जिसको कि हम लोग मीटिंग कहते हैं उसको भी कवर करने का प्रयास किया था, और उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया था। उसमें एक कंसाइज झलक देखने को मिली थी मिनट्स ऑफ मीटिंग की, जिसमें कि हमने ये जानने का प्रयास किया था कि आखिर मीटिंग के साथ साथ उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं उनका जुड़ा होना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों एक कम्युनिकेशन में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस लेक्चर में हम इसको डीपली जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ ये समझेंगे कि एक कम्युनिकेशन के दौरान जब मीटिंग्स होती हैं जिनमें कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो मैनेजमेंट के एक लेवल से दूसरे लेवल में होता है, और साथ ही साथ एक गैदरिंग होती है जिसमें कि किसी ऑब्जेक्टिव या एजेंडे को लेकर के डिस्कशन किया जाता है, तो इस एजेंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए इम्पॉर्टेंस रखते हैं, साथ ही साथ ई करेस्पॉन्डेंस का इसमें क्या रोल होता है, इस पे डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर का मेन मोटिव राइटिंग अबाउट द मिनट्स ऑफ मीटिंग ही होगा जिसके ऊपर की चर्चा होनी है। सो मीटिंग मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मीटिंग, यानी कि मीटिंग के दौरान लोगों के मैनेजमेंट के टॉप मिडिल और लोअर मैनेजमेंट के बीच में जो गैदरिंग होती है, एक ऑफिशियल गैदरिंग किसी एजेंडा या फिर किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके जो मीटिंग की जाती है, इसका मेन कंटेंट तभी निकल करके आता है जब उसमें मीटिंग्स में होने वाले मुख्य पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है और एक जगह पर नोट डाउन किया जाता है। इसके पहले मैंने जब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में आपको डिफरेंस करवाने के लिए बताया था, तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी फ्लो की थी कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में से रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल होता है, स्पेशली इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपनी ज़्यादातर मीटिंग्स जो कंडक्ट करते हैं उसमें हमेशा इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जो मीटिंग्स हों वो टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट के बीच में हों, और साथ ही साथ उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन रिटन कंटेंट में अवेलेबल रहे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड रहे, जिसको कि बाद में एक प्रायर सोर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि फर्दर फ्यूचर में लिए गए डिसीजंस में उन पुराने रिकॉर्ड्स के बिहाफ पे ये चेक किया जा सके कि कितने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए थे और उनमें से कितने का टास्क पूरा किया जा चुका है। यहाँ पर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग डिसाइड किए जाते हैं इसके पहले भी एक रिटन इन्फॉर्मेशन फ्लो कराई जाती है मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में, जिसमें उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करने से लेकर के मीटिंग के पर्पस, एजेंडा और करिस्पॉन्डेंस जो भी उसमें एकोलेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ शामिल कर लिया जाता है, और इसको रिटन फॉर्मेट पे इंडिविजुअली प्रेसिडेंट या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर या एक संदेश के तौर पर इंडिविजुअली मैनेजमेंट के लोगों को भेजा जाता है। ये मैनेजमेंट के लोग चाहे MD की टीम में हों या फिर ये लोग जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल हों या लोअर लेवल मैनेजमेंट में शामिल हों, इनको इंडिविजुअली एक इन्फॉर्मेशन या इनविटेशन लेटर के तौर पे इंडिकेट किया जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन में जो रिटन कम्युनिकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा होती है अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। हालांकि जो मीटिंग्स होती हैं उनमें कम्युनिकेशन ओरल ही होता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू दी जाने वाली इन्फॉर्मेशंस को जो भी कलीग्स बैठे होते हैं वो कलीग्स कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हैं और उसको रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होती है इसमें वो ये है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली इस मीटिंग के इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं रिटन फॉर्मेट पे। दे हाईलाइट द की इश्यूज दैट आर डिस्कस्ड। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो सबसे खास बात ये होती है कि की इश्यूज अगर मीटिंग के दौरान किए गए होते हैं तो उनके हाईलाइट्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मोशंस प्रपोज्ड और वोटेड ऑन, यानी कि
जो भी प्रपोज्ड या वोट किए गए मोशंस होते हैं या जो टॉपिक्स उसमें ज़्यादातर एक्सेप्टेबल होते हैं उनको नोट डाउन करते हैं, एंड द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लोगों के द्वारा परफॉर्म की जानी है और लोगों के द्वारा उसको ऑप्ट किया जाना है बतौर टास्क, ताकि अगली मीटिंग से पहले वो टास्क पूरे किए जा सके, तो इनको भी रिटन कंटेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर मीटिंग के दौरान कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको नोट डाउन किया जाता है। ऐसा इसलिए कि मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित है या फिर मीटिंग में कोई भी पर्सन जो कि आ नहीं सका है और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मीटिंग के दौरान कौन कौन सी बातें डिस्कस की गई थी, तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग ही उसको एलेबरेट करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स या कौन से टास्क डिसाइड किए गए थे मीटिंग में, जिनके द्वारा कि उसके हिस्से में कौन सा टास्क आया है जो उसे अगली मीटिंग तक परफॉर्म करना है। द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर यूजुअली टेकन बाय द डेजिग्नेटेड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप है या समूह है उसके डेजिग्नेटेड या ओहदा प्रधान जो लोग हैं उनके द्वारा ये मीटिंग डिसाइड की जाती है, उनके द्वारा ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी डिसाइड किए जाते हैं। देयर टास्क इज टू प्रूव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि उनका मुख्य टास्क यही होता है कि इस मीटिंग के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दों पर उन्होंने नज़र डाली है या उनको पॉइंट आउट किया है, इसके रिकॉर्ड्स मौजूद होने चाहिए। अब बात करते हैं अगले, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिकॉर्डिंग मीटिंग मिनट्स, यानी कि मीटिंग के दौरान जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या किन किन स्टेप्स को इसमें नोट डाउन किया जाता है, किस किस तरीके से नोट डाउन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू लर्न इट ऑल, आपको इसको याद करना होगा, और साथ ही साथ लर्न करने के साथ साथ आपको एक पैटर्न भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से जो मीटिंग एजेंडाज होते हैं इनको यहाँ पर मिनट्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ पर जो मेन स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे। जो मेन 5 स्टेप्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्री प्लानिंग। मीटिंग के दौरान क्या प्री प्लान किया गया है, क्या एजेंडा रखा गया है और किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ये मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसीलिए मीटिंग के मिनट्स को लिखने से पहले इसके एजेंडा को या फिर इसके प्री प्लानिंग स्ट्रक्चर को जरूर डिफाइन किया जाता है। इसको डिफाइन करने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब आप इस प्री प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं तो मीटिंग के दौरान जो मुद्दा उठ करके लोगों के सामने आता है या जिसके ऊपर डिस्कशन करना होता है उस पर बात करने में आसानी होती है, उसके ऊपर प्लान करने में आसानी होती है और उसके द्वारा लोगों के रिव्यूज़, व्यूज़ और एस्पेक्ट्स को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। सेकेंड पॉइंट इज रिकॉर्ड टेकिंग। रिकॉर्ड टेकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकॉर्ड के तौर पे या कम्युनिकेशन के तौर पर रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो रिकॉर्ड टेकिंग का मतलब यही होता है कि अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है तो उस मीटिंग में किन किन एजेंडे पर बात हुई है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें डिस्कस किए गए हैं और जिन टॉपिक्स को स्पेशली टारगेट किया गया है उन टॉपिक्स में क्या बातें हुई हैं और उनको किस तरीके से रखा गया है, इसका भी आउटलाइन तैयार किया जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग में, जिसमें कि हर एक टॉपिक पर जो बात की गई है उसका एक कंसाइज ब्यौरा अवेलेबल होता है। इस कंसाइज डिस्कशन को कहीं ना कहीं रिटन फॉर्मेट पे जरूर रखा जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव के दौरान जो भी फैसले लिए गए हों उनको बताना, उनको डिफाइन करना काफ़ी आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है राइटिंग और ट्रांसक्राइबिंग द मिनट्स, यानी कि जो भी मिनट्स डिसाइड किए गए हैं या जो भी मिनट्स उसमें नोट डाउन किए गए, जो भी शॉर्ट लिस्ट किए गए पॉइंट्स हैं उनको राइट करना, साथ ही साथ ट्रांसक्राइब करना, यानी कि उसको फर्दर यूज़ के लिए तैयार करना, इस तरीके से कि वो ही मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं अगली मीटिंग के। इसको तैयार करने के लिए एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जो लोग अवेलेबल नहीं हैं उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, साथ ही साथ इन मीटिंग्स की डिटेल्स को तैयार करके इंडिविजुअली सबके हिस्से के टास्क उनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं और नेक्स्ट मीटिंग होने पर उन्हीं टास्क को ऑब्जेक्टिव के तौर पे या फिर डिस्कशन के टॉपिक के तौर पे कंसीडर किया जाता है।
ऐसा करने से पुराने जो टास्क दिए गए हैं और प्रेजेंट में जो टास्क डिसाइड किए गए हैं, इनके बीच में क्या गैप आया, क्या कमी रह गई और क्यों ये कमी रह गई है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन या फिर थॉटफुल एक गैदरिंग हो जाती है और जिसमें सही डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग मीटिंग मिनट्स। इसका पर्पस ये होता है कि मीटिंग के दौरान जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट डाउन किए जाते हैं या मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे जाते हैं, इनमें मीटिंग्स को लिख करके एक प्रॉपर डिटेल चैनल तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद जब लास्ट मीटिंग का एंड पॉइंट होता है तो ये सारे मिनट्स जो मीटिंग के दौरान नोट डाउन किए गए होते हैं इनको कंक्लूड किया जाता है। हर व्यक्ति के हिस्से का टास्क उसको बताया जाता है और साथ ही साथ इस मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए गए, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए, कहाँ कहाँ पर किन किन फैसलों का क्या महत्व है, या फिर हमने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग डिसाइड किए थे उनमें से हर पॉइंट की कितनी वैल्यू है, इसको बताने का प्रयास किया जाता है बहुत ही कंसाइज टाइम में। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इन्वॉल्व इन द स्टेप ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग इज फाइलिंग और स्टोरेज ऑफ मिनट्स फॉर रिफरेंसिंग इन द फ्यूचर। द लास्ट पॉइंट इसका होता है वो ये होता है कि इन मिनट्स ऑफ मीटिंग को फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल करके रख लेना। और ऐसा करने की वजह यही होती है कि अभी तक जो टास्क हैंडओवर किए गए हैं और भविष्य में जो टास्क डिसाइड किए जाने वाले हैं इनके और उनके बीच में जो मेजर चेंजेस होंगे या फिर जो गैप आएगा उनके ऊपर चर्चा करने के लिए अगली मीटिंग में जो टॉपिक्स होंगे वो बेसिकली इन्हीं मिनट्स ऑफ मीटिंग से लिए जाते हैं। सो अल्टीमेटली वी हैव 5 स्टेप्स जहाँ पर कि प्री प्लानिंग करते हैं, देन रिकॉर्ड टेकिंग का कंसिड्रेशन होता है, देन राइटिंग और ट्रांसक्राइबिंग द मिनट्स की बात होती है, फिन शेयरिंग मिनी मीटिंग मिनट्स की बात होती है, एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइलिंग और स्टोरेज ऑफ मिनट्स फॉर रेफरेंसिंग इन द फ्यूचर। रेफरेंस इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो है इनको कंसाइज करने की बात की जाती है। यहाँ पर प्री प्लानिंग जो स्टेप लास्ट में मेंशन हो गया है इसको प्लीज़ इग्नोर करें क्योंकि ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। सो यहाँ तक जो मेन 5 स्टेप्स हैं आपको इन 5 स्टेप्स को इसी चैनल में इसी पैटर्न पे रटना होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इफ़ अ मीटिंग इज़ वेल प्लान्ड इन एडवांस, यदि मीटिंग पहले से ही वेल प्लान्ड होती है एडवांस में, टेकिंग मिनट्स विल बी अ लॉट ईजियर। यदि पहले से ही मीटिंग कोई प्रिपेयर की जाती है तो यहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग को अगर नोट डाउन करना हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि इसमें हमको आसान पता होता है कि आखिर किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। द चेयरपर्सन एंड द सेक्रेटरी और माइनट मिनट्स रिकॉर्डर शुड वर्क टुगेदर टू डिटरमाइन द एजेंडा ऑफ द मीटिंग बिफोर हैंड। यानी कि मीटिंग शुरू होने से पहले जो चेयरपर्सन्स हैं या फिर सेक्रेटरी हैं और कोई ऐसा शख्स जो कि मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, ये पर्टिकुलर दिए गए एजेंडा के ऊपर पहले से ही काम कर सकते हैं और इस मीटिंग के स्पेशल पॉइंट्स को जो है पहले ही डिस्कस कर सकते हैं या पहले ही मेंशन कर सकते हैं। सो ऐसा करने से जो बेनिफिट होता है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है काफ़ी बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स निकल करके लोगों के सामने आते हैं। और फॉर एग्जाम्पल द पर्सन रिकॉर्डिंग मिनट्स कुड वर्क विद द चेयर टू ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट एंड विल सर्व एज एन एजेंडा टू प्रोवाइड द फॉर्मेट ऑफ द मीटिंग। यानी कि इसमें पर्सन पहले से ही जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिकॉर्ड करके और मीटिंग के दौरान इनको एजेंडा के रूप में भी सर्व कर सकता है, यानी कि तुरंत की मीटिंग का एजेंडा भी तैयार कर सकता है। अब मीटिंग एजेंडा क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मीटिंग एजेंडा क्या है। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ चेयर एंड सेक्रेटरी टू मीट एंड कम अप विद अ ड्राफ्ट, देन इट्स अप टू द सेक्रेटरी टू गेट अ कॉपी ऑफ एजेंडा बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर एडवांस में ही कोई मीटिंग नहीं कंडक्ट करवाई जा पा रही है या फिर मीटिंग से पहले सेक्रेटरी और चेयरपर्सन आपस में नहीं मिल पा रहे हैं तो ये इस तरीके से तैयार करते हैं कि एक एजेंडा की कॉपी को पहले से ही मीटिंग स्टार्ट होने के पहले ही जो है लेकर के अपने साथ आ सकते हैं। द मीटिंग एजेंडा विल सर्व अ गाइड फॉर हाउ टू टेक नोट्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स। जो एजेंडा होता है किसी भी मीटिंग का वो बेसिकली एक गाइड के तौर पे हेल्प करता है जिसमें कि किस तरीके से ये मीटिंग्स की जा सकती हैं, किस तरीके से ये नोट्स सर्व किए जा सकते हैं
और किस तरीके से इनके द्वारा मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए जा सकते हैं, ये एक प्रायर इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। इन एडिशन द एजेंडा ऑल्सो इंक्लूड्स अदर डिटेल्स विच नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मिनट्स। इसके अलावा कुछ एजेंडा जो अलग डिटेल्स को कंसीडर करता है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करने में हेल्प मिलती है, जैसे कि नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट, कौन कौन से लोग इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन से गेस्ट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से स्पीकर्स हैं, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी हैंडेड आउट एज द मीटिंग प्रोग्रेसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मीटिंग की प्रोग्रेस के दौरान हैंड ओवर करने हैं, इनके बारे में भी पहले से ही डिस्कशन हो जाता है। सच एज द कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ प्रपोजल टू बी वोटेड ऑन, कौन कौन से प्रपोजल्स के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए, यानी कि कौन से प्रपोजल्स पहले से लाए गए हैं जिन पर कि वोटिंग राइट्स डिसाइड होते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा यहाँ पर मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं और मैनेजमेंट की मीटिंग्स के भी लेवल अलग अलग होते हैं। टॉप लेवल्स की मीटिंग इंडिविजुअली हो सकती है, टॉप और मिडिल लेवल की मीटिंग इंडिविजुअल हो सकती है, मिडिल लेवल की अलग हो सकती है, मिडिल और लोअर की अलग हो सकती है। तो यहाँ पर कई सारे चैनल्स तैयार कर लिए जाते हैं और हर मीटिंग का कोई ना कोई एजेंडा ज़रूर होता है। और यहाँ पर कई सारे जो टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं उनमें प्रपोजल्स डेफिनेटली आते हैं और प्रपोजल्स में वोटिंग राइट्स होते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चेयरमैन शामिल होते हैं और वोटिंग राइट्स के बिहाफ पर ही यहाँ पर पर्टिकुलर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये डिसीजंस हेल्प करते हैं किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं आसानी से कि मीटिंग एजेंडा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और मीटिंग एजेंडा में जो जो टॉपिक्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं उनका सबसे बड़ा एक जो रिस्पॉन्स होता है वो इस बात को लेकर के होता है कि किस तरीके से वोटिंग राइट्स को डेवलप करने से पहले ही प्रपोजल्स की कॉपीज़ वहाँ अवेलेबल हों ताकि कम से कम समय में वोटिंग के डिसीजंस को कंप्लीट किया जा सके। सो इट वॉज ऑल अबाउट मीटिंग एजेंडा। अगर कोई पॉइंट्स आपको कंफ्यूज करते हो तो आप डेफिनेटली आप कॉल करके या इंफॉर्मेशन आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की कि एक मिनट्स ऑफ मीटिंग के केस में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व होती हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल इज चूजन द मिनट्स रिकॉर्डेड, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। जब भी कोई एक मिनट रिकॉर्डर के तौर पे पर्सन यूज़ किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है तो उसको डेफिनेटली ये बात पता होनी चाहिए या उसको ये एक इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए आप अपने आप की कि उससे क्या क्या पॉइंट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के दौरान उसको एक्यूमुलेट करने हैं। देयरफॉर द इंडिविजुअल शुड अप्रोच द चेयर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी एंड आस्क व्हाट देयर रोल इन द मीटिंग विल बी। यानी कि इसीलिए उसको सबसे पहले जो चेयरपर्सन्स होते हैं उनसे मिलकर के, चेयरमैन या चेयरपर्सन्स हैं उनसे मिलकर के इस बात को क्लियर कर लेना है कि अल्टीमेटली मीटिंग के दौरान उसके क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या टास्क होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द मीटिंग विल बी इन्वॉल्व प्रपोजिंग मोशंस, द डिजिग्नेटेड मेम्बर शुड इंक्वायर एज टू वेदर ही शुड इंक्लूड द नेम ऑफ दोज प्रपोजिंग मोशंस और दोज सेकेंडिंग। यानी कि जो प्रपोजल्स दे रहे हैं उनके नाम भी इन्वॉल्व करने हैं या केवल जो उसके रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनके नाम भी इन्वॉल्व करने हैं। इस मीटिंग के दौरान जो भी टास्क दिए जाते हैं या जो भी प्रपोजल्स हैं उन प्रपोजल्स में किन किन लोगों को शामिल होना है इसकी डिटेलिंग भी वो पहले से जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब आते हैं व्हाट टू इंक्लूड इन मीटिंग मिनट्स। हमको मीटिंग्स ऑफ मिनट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। बिफोर रिकॉर्डिंग एनी डिटेल्स, अ डेजिग्नेटेड मिनट्स रिकॉर्डेड शुड फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे शुड रिकॉर्ड। अ ग्रुप मे बी using a specific format to record notes, but overall the minutes of a meeting typically include the following details। यानी कि minutes of meeting में कौन कौन से details involve होने चाहिए ये नीचे mention किए गए हैं। देखिए, first one is date and time of meeting happened, यानी कि कब, date और समय, कब meeting होने वाली है इसके बारे में information होनी चाहिए। Next thing, name of the attendees, कौन कौन से लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, एज वेल एज अब्सेंट पार्टिसिपेंट्स। और साथ ही साथ वो भी मेंशन होना चाहिए कि आखिर कौन से इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं जो अब्सेंट हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस और अमेंडमेंट मेड टू द प्रीवियस मीटिंग्स मिनट। यानी कि प्रीवियस मीटिंग जो हुई थी उसमें क्या क्या सुधार करने हैं और उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना है
और कौन कौन से जो है पॉइंट्स में उनमें अपडेशंस करने हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट मीटिंग मिनट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। डिसीजन मेड रिगार्डिंग ईच आइटम्स ऑन द एजेंडा, कोई भी डिसीजन अगर जो है एजेंडा के ऊपर जो है डिसीजन लिया जाने वाला है, कोई भी उसमें चेंज किए जाने वाले हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। यानी कि एक्टिविटीज़ अंडरटेकन एग्रीड अपॉन, किस पर सब सहमत हुए हैं, या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग जिनमें कि सब लोग प्रोग्रेस में हैं या उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। व्हेन द मीटिंग एंड्स द इंडिविजुअल आस्क विद राइटिंग मिनट्स शुड गेट ऑल द रिसोर्सेज ही नीड्स टू राइट अप द मिनट्स इन अ क्लियर प्रेजेंटेबल वे। मीटिंग के लास्ट में इंडिविजुअल्स को अपने टास्क क्लियरली जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसके थ्रू डिफाइन करने चाहिए, और साथ ही साथ उसको क्या क्या टास्क दिए गए हैं इनको बहुत क्लियरली उनको प्रेजेंट करना होगा। वंस द मीटिंग एंड्स, एक बार मीटिंग समाप्त हो जाती है, डोंट टेक टू लॉन्ग टू राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग समाप्त हो जाने के बाद जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। दिस वे एवरीथिंग दैट टुक प्लेस इन द मीटिंग इज स्टिल फ्रेश इन योर माइंड। ऐसा करने से जो भी चीज़ आपके दिमाग में, जो भी डिस्कशंस हुए हैं, वो आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत ही डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। दैट्स वाई आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं और इजी वे में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर 3 इन मिनट्स ऑफ मीटिंग। होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।